आइए भक्तों, आज जानते हैं गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, गुरु पूर्णिमा का कारण क्या है। तो एक बार बोलिए प्रेम से राधा रानी की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। भगवान कृष्ण की प्रेमिका ही नहीं गुरु भी थी, जाने राधा की कहानी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रेम लीलाओं से अलग राधा कृष्ण के बीच गुरु शिष्य के अनोखे रिश्ते की कहानी आज हम आप लोग को सुनाएंगे। यह कहानी आप लोग जरूर सुने और पूरा सुने। आधा कहानी सुनने से आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, इसीलिए आप लोग यह कहानी पूरा सुने। राधा कृष्ण की अलौकिक प्रेम गाथा हर किसी ने सुनी है। आज भी प्रेम की देवी राधा और मुरली मनोहर श्री कृष्ण के प्रेम रस की कई कथाएं पुराणों और शास्त्रों में मिल जाती है। मगर क्या आपको पता है, भगवान श्री कृष्ण देवी राधा को अपनी परम सखी तो मानते ही थे, साथ ही उन्हें अपना गुरु भी मानते थे। कैसे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को अपना गुरु बनाया था, यह कार्य भगवान श्री कृष्ण ने गुरु पूर्णिमा के दिन ही किया था। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा 22 या 23 मई को है। इस दिन सभी शिष्य अपने गुरु को चुनते हैं और उनकी पूजा करते हैं। द्वापर युग में जब जगत पिता नारायण ने श्री कृष्ण और देवी लक्ष्मी ने प्रेम की देवी राधा का रूप धारण कर मनुष्य योनि में पृथ्वी पर जन्म लिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा को अपना गुरु चुना था। मगर इसके पीछे कथ क्या है, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह होने वाला था, मगर एक श्राप के कारण नहीं हो सकी थी। राधा कृष्ण की शादी और पुत्री धर्म निभाने के लिए राधा को बरसाने के महापंडित उग्रपद के बेटे एवं अपने बाल सखा आयन से विवाह करना पड़ा। आयन शादी के बाद राधा के साथ गृहस्थ जीवन शुरू करना चाहता था, जबकि राधा ने पहले ही आयन को सचेतन कर दिया था कि वह दोनों केवल दुनिया की नजरों में ही पति पत्नी है। विवाह के कारण भी राधा मन ही मन श्री कृष्ण के बारे में ही सोचती रहती थी। यह बात आयन को बिल्कुल भी नहीं भाती थी। शादी के बाद राधा रानी की ससुराल में पंडितों के लिए महाभोज रखा गया था। तभी राधा रानी को पता चला कि श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे हैं। वह यह सहन न कर सकी और महाभोज छोड़कर भगवान श्री कृष्ण को रोकने पहुंच गई। राधा रानी के ऐसा करने से ऋषि दुर्वासा के शिष्य को बहुत बुरा लगा। उन्होंने राधा और अयन को सजा सुनाई और अपने आश्रम में कुछ दिन ऋषि दुर्वासा की सेवा करने के लिए कहा। तभी श्री कृष्ण वहां पहुंचे और उन्होंने राधा से हुई गलती के पीछे खुद को कारण बताया। यह सुनने के बाद ऋषि दुर्वासा के शिष्य ने उन्हें भी दंड स्वरूप आश्रम बुलवा लिया। आश्रम में रहने के दौरान ही गुरु पूर्णिमा का शुभ दिन आया। इस दौरान जहां राधा रानी ने पत्नी धर्म निभाते हुए पति अयन को अपना गुरु चुना, वही भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को गुरु मानने का संकल्प ले लिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने उत्तर दिया, राधा से मैंने अंतर आत्मा का प्रेम सीखा है, इसीलिए वह मेरी गुरु है। राधा ने भी श्री कृष्ण को अपना शिष्य स्वीकार किया और पूरी विधि विधान के साथ श्री कृष्ण ने राधा रानी के चरणों में शीश झुकाकर उन्हें अपना गुरु बना लिया। बेशक आज भी पूरी दुनिया भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को प्रेमी प्रेमिका के रूप में देखती हो, मगर श्री कृष्ण ने राधा रानी को अपना गुरु माना है। वह खुद हमेशा राधा रानी के चरणों में स्थान देते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आप सभी सबक ले सकते हैं कि गुरु का स्थान हमेशा सबसे ऊपर होता है। गुरु कोई भी हो सकता है, जिस व्यक्ति से आपको कुछ सीखने को मिले वह आपका गुरु है।
तो एक बार बोलिए प्रेम से राधे कृष्ण भगवान की जय।